आज हम लोगों का टॉपिक है फंक्शंस और उसको कैसे अप्लाई करें। हमको ये बताया गया कि देयर इज अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू टाइम। हाउ डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू टाइम, वेन वी से इट्स डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू टाइम, वी विल राइट दैट डिस्प्लेसमेंट एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, इसकी डिटेल बताई गई, द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। दिस इज द डिटेल ऑफ द फंक्शन। सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। जब भी इस तरह का इक्वेशन दिया हो तो उसका ये मतलब है कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं अलग अलग टाइम पर। जैसे हाउ मच वॉज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड, तो हमको ये करना है कि टाइम टी की वैल्यू को 2 सेकेंड रखना है। सो वी विल पुट इट 2, तो इसका आंसर बताइए कितना होगा एट 2 सेकेंड। सो दिस विल बी 8 to the 4 to the 8, 8 minus 6 is 2, 2 plus 1 3, at 2 seconds x is equal to 3। तो 2 सेकेंड में ये पार्टिकल कहां पर होगा, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा, जबकि टाइम कितना है 2 सेकेंड। इसी टेक्निक को यूज करके बताइए what will be the displacement when the time is 5 seconds. अब अगर मैं पूछूंगा व्हाट वाज इट्स पोजीशन एट स्टार्ट, पोजीशन एट स्टार्ट, इसमें टी की वैल्यू छिपी हुई है, कौन से वर्ड्स में टी की वैल्यू छिपी है, यहां एट स्टार्ट में टी कितना लिया जाता है, 0, राइट। तो टी को 0 लीजिए और बताइए व्हाट वाज द पोजीशन एट स्टार्ट, 0 0 1, सो इट स्टार्टेड व्हेन द पोजीशन वाज 1, टी इज इक्वल टू 0। ओके, व्हाट वाज इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन द टाइम वाज 1 सेकेंड, t is equal to 1, then what was its position? 0, it was at 0. So when time was 0, it was here, when time is equal to 1 second, it went to 0 position. तो हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिकली t की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू मिलेगी। ओके, इस तरह से टी की अलग अलग वैल्यू के लिए हमको एक्स की अलग अलग वैल्यूज मिल जाएगी। ये फंक्शन का एक काम होता है, दोनों तरफ से ये काम कर सकता है। जैसे व्हाट विल बी द टाइम व्हेन एक्स इज एट द ओरिजिन, व्हाट विल बी टाइम व्हेन एक्स इज एट द ओरिजिन, एक्स अगर ओरिजिन या पोजीशन इज एट द ओरिजिन, उस समय एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0।
we will put 0 here. Then this equation will be, our question is position position at origin x is equal to 0. Then this is 0 is equal to 2t square minus 3t plus 1. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ t. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस विल बी, इसे आप जो भी करके देखेंगे, t की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस और माइनस. माइनस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता. पॉजिटिव वैल्यू को हम रखेंगे एंड दैट विल बी अवर आंसर. तो करके देखेंगे जब आप, तो वही चीज आएगी जो आप पहले कर चुके हैं, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. तो इस तरह से ये फंक्शन को हमने यूज करना है. फंक्शन का यूज समझ में आ गया. जबकि हमको फंक्शन दिया जाएगा दिस, तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा. इस इक्वेशन में ये वेरिएबल वैल्यूज दी गई है, रिलेशन दिया गया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है. एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमको इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी. व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड तो एक्स की वैल्यू भी एग्जैक्ट आएगी. व्हेन द टाइम इज 2 सेकेंड तो एक्स की वैल्यू भी एग्जैक्ट आएगी. तो ये डेफिनेट वैल्यूज है और ये वाली रिलेशन है, अलजेब्रिक वैल्यूज है. तो ये रिलेशन है और ये एग्जैक्ट वैल्यू. ओके, तो ये रिलेशन समझने के बाद अब हम अगली चीज पर आते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट. ए पार्टिकल इज मूविंग इन सच ए वे दैट इट्स पोजिशन एक्स इज रिलेटेड टू टाइम अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन. ये हमारा क्वेश्चन. देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, व्हाट विल बी वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड. What will be velocity at 2 seconds? इसका मतलब है हमको टाइम की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 सेकेंड, पर किस इक्वेशन में रखनी है. अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हम किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, x की वैल्यू. और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट. लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, वेलोसिटी. तो हमारा पहला स्टेप है जो इक्वेशन हमको डिस्प्लेसमेंट में मिला है इसको कन्वर्ट करना वेलोसिटी के इक्वेशन. तो एक्स के इक्वेशन को वेलोसिटी के इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम लोग अपना कल जो फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंशियल कैलकुलस का, उसको याद करते हैं. दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt, चेंज इन पोजिशन चेंज इन टाइम, dx बाय dt. और इसको अब हम लिखते हैं d by dt x, x की वैल्यू ये लिखते हैं 2t square minus 3t plus 1. जब इस तरह का हम डिफ्रेंसिएशन करने जाते हैं तो यहां पर जो लिखा होना चाहिए वो इसका फंक्शन होना चाहिए. यहां पर कौन चेंज हो रहा है, t, इसलिए यहां पर फंक्शन किसके चाहिए, t के चाहिए. t को छोड़कर बाकी जो कुछ भी होगा उसको कांस्टेंट मान लिया जाएगा क्योंकि वेरिएबल कौन है, t. ओके, ये आ गया. अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं. इसमें 1, 2, 3 टर्म है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 3 बार. पहले किसको डिफरेंशिएट करना है, 2t square. 2t square का डिफरेंशिएशन बोलिए, थोड़ा सा आप बोलेंगे, अगर पंखा देख लिया तो आप इधर बोलिए. 2t square का डिफरेंशिएशन 14. गुड. सेकेंड वाला बताइए, -3t का डिफरेंशिएशन आप बताइए, 3. वेरी गुड. लेकिन माइनस भी रहेगा साथ में, -3. ओके, प्लस 1. 1 इज ए कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0. ये नियम है,
कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, सो दिस विल बी जीरो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हमने किसका इक्वेशन निकाला, v, ये हमने v का इक्वेशन बनाया है, v की वैल्यू नहीं निकाली। तो जब हमारे पास x का इक्वेशन था, तो x के इक्वेशन से हमारा पहला स्टेप होगा v का इक्वेशन बनाना। x के इक्वेशन से आप डायरेक्ट v की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इक्वेशन से पहले क्या कन्वर्ट होगा, इक्वेशन। तो एक्स के इक्वेशन से किसका इक्वेशन बना, वी का इक्वेशन। अब जब वी का इक्वेशन बन गया, उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को देखेंगे। वेलोसिटी है 2 सेकंड, ये 2 सेकंड हमको किसकी वैल्यू दी गई है, टाइम। इस टाइम की वैल्यू 2 को यहां पर रख दीजिए, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 2 8, 8 3 5। सो एट 2 सेकंड वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, इसके हेल्पली डिफरेंशियल कर दिया, ठीक है। अब एक स्टेप इस पे और आगे आप बताइए, बड़े आराम से बता सकते हैं, व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल। फिर से सुनिए, क्वेश्चन कैसा होगा, ये पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन सच ए वे दैट इट्स पोजीशन एक्स इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू रिलेशन एक्स इज इक्वल टू 2t² - 3t + 1। व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट से एक्सीलरेशन के लिए हमको 2 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। एक बार इसको डिफरेंशिएट किया dx/dt, तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। क्या मिलेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन। अब अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे dv/dt, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब हमको क्या मिलेगा, वेरी गुड, एक्सीलरेशन। तो हमने dv/dt किसको करना है, वेलोसिटी को। वेलोसिटी का फंक्शन लिखते हैं t के टर्म्स में, तो वेलोसिटी का फंक्शन t के टर्म्स में क्या है, 4t - 3। तो इसका सॉल्व यस कितना आया, 4। ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन। ये हमने डिफरेंशियल को यूज किया और क्या निकाल लिया, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों। ये एक बड़ी सिंपल प्रोसेस है और 75% क्वेश्चंस में यही प्रोसेस आपको लेनी है, जो क्लास 11th में यूज होगा यही यूज होगा। ओके, अब इजी नोट हो गया सबका। एक्सप्लेनेशन ये हुई कि हमको v इज इक्वल टू 0 लिखना है बिकॉज द बॉडी कम्स टू रेस्ट, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो x का है। तो हमारा पहली कोशिश हमारी होगी कि जो x का इक्वेशन है उसको हम v के इक्वेशन में कन्वर्ट करें। x के इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट को v के इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आंसर डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो ये आप पहला स्टेप करिए और इसका डिफरेंशिएशन करके इसको v के इक्वेशन में कन्वर्ट करिए और उसे आप लिखेंगे v इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल, और इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं d/dt, और ये पूरा एक्सप्रेशन यहां अंदर में -2/3t² + 16t + 2, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, तीनों करिए।
तो ये सब ने कर लिया है d by dt of this, d by dt of this is minus 2 upon 3, t square का कितना हुआ 2t plus 16t का 16, और इसका differentiation क्या होता है 0, ये तो ये आया minus 4 upon 3t plus 16, और v की value हमने क्या रखी है comes to rest, v is equal to 0, और इसको जब आपने सॉल्व किया तो t की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेकंड. सो व्हेन द टाइम इज 12 सेकंड वेलोसिटी बिकम 0. ओके, सो इसके डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू दिस, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन at t is equal to 2 seconds. Velocity and acceleration निकालना है. हमारे पास x का equation है, तो हम पहले equation to equation convert करेंगे. किसका equation बनाएंगे? Velocity का. कैसे? dx by dt. जब v बन जाएगा तो dv by dt करना, तो acceleration का equation बनेगा. जब दोनों इक्वेशन बन जाएंगे तो उसमें टी की वैल्यू 2 सेकंड रख करके देखिए बनाइए. ओके, ये क्वेश्चन हमको सबने ठीक किया है. एक्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की दी है और हमको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है एट ए गिवन टाइम. तो हमारा पहला काम है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के इक्वेशन बनाए. इक्वेशन बनाने का तरीका हमको फिजिक्स में मालूम है, वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. This is differentiation of x, और x t का function है. This is, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं और चाहे तो t square को पहले भी ला सकते हैं. That hardly matters. ऐसे ही लिखते हैं 3 plus 8t plus 7t square. इसमें 1, 2, 3 terms हैं. तीनों को differentiate अलग अलग करेंगे. पहला constant है, constant को differentiation किया 0, लिखने की जरूरत नहीं. 8t को डिफरेंशिएट किया तो 8 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और t का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1. सो दैट विल बी 8 इनटू 1 प्लस 7 कांस्टेंट वैसा ही रहेगा. t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2t. फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, जब कांस्टेंट अकेला रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होना है 0, पर अगर कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो वो 0 नहीं होता, बिकॉज दिस शोज टी हैज कम 8 टाइम्स, टी स्क्वायर हैज कम 7 टाइम्स. तो ये पूरा कांस्टेंट नहीं है, ये टी स्क्वायर 7 बार लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमने 7 बार टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया. उस समय ये 0 नहीं लेना है. ओके, तो ये आ गया और इसको हमने सॉल्व किया 14t plus 8. दिस इज इक्वल टू व्हाट वी, तो ये जो हमको मिला वी इज इक्वल टू 14t plus 8. ये हमको रिलेशन मिला वी और टी का. इसमें हम टी की कोई भी वैल्यू रख सकते. अगर हमारा ये क्वेश्चन होता, अभी जो क्वेश्चन है t is equal to 2 second, तो हम यहाँ t is equal to 2 रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 14 2 28 plus 8, that is v is equal to right at 2 second, this is the velocity, so this is 36 meter per second. ओके, ये वेलोसिटी एट की वैल्यू आ गई 36. अब हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको पता है, एक्सेलरेशन इज डीवी बाय डीटी. शर्त क्या है कि वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन होना चाहिए और वो फंक्शन हमको पता होना चाहिए. तो यहां हम ढूंढते हैं, यहां पर हमने लाके रखा था ये वेलोसिटी का टाइम से रिलेशन. इसलिए ये जो चीज बनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम जगह जगह यूज कर सकते हैं. तो यहां पर हमने यूज किया इसको d by dt of वेलोसिटी 14t plus 8. दिस इज इक्वल टू 14t का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 14, 8 का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की जरूरत नहीं. सो a इज इक्वल टू 14.
a is equal to 14, हम चाहे तो इसमें यूनिट लगा सकते हैं अगर हमारे क्वेश्चन में यूनिट दी गई होगी तो। ये वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, व्हाट इज एक्सीलरेशन एट टाइम टू सेकंड, उसको यहां कैसे अप्लाई करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इसमें t नहीं है, a इज इक्वल टू 14 जो आया इसमें t नहीं है जिसमें हम 2 सेकंड रखेंगे, बट दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स अ सॉल्यूशन। अगर इसमें t नहीं है तो याद रखिए एक्सीलरेशन इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, इट डज नॉट चेंज विद टाइम। जिसके एक्सप्रेशन में t नहीं आता उसके लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए कि t की कोई भी वैल्यू हो एक्सीलरेशन की वैल्यू वही रहेगी। तो हमको t इज इक्वल टू 2 रखने की जरूरत नहीं है। When t is equal to 1, a is equal to 14. When t is equal to 5, a is equal to 14. When t is equal to 10, a is equal to 14. क्यों? क्योंकि 4 इधर t है ही। समझ आया? तो जब किसी चीज में वेरिएबल नहीं होगा तो वो चीज क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट। तो एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, जीरो टाइम से लेके इंफिनिट टाइम तक एक्सेलरेशन की वैल्यू 14 ही रहेगी क्योंकि इसमें t नहीं आता। इसलिए t इज इक्वल टू 2 सेकंड में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए, 36 एंड 14। अगर यहां पर t कुछ और होता, दैट व्हाट वाज द वेलोसिटी एट स्टार्ट, तो हम t की वैल्यू क्या रखते एट स्टार्ट के लिए, 0। अगर इसको 0 रखते तो ये क्या आता, v इज इक्वल टू 8। तो व्हाट वाज द वेलोसिटी व्हेन स्टार्ट, v is equal to 8, ठीक है? And when the velocity is 0, कैसे निकालेंगे आप? तो जिस समय स्टार्ट हुआ उसके पीछे कहीं 0 होगी, हम निकाल सकते हैं, v को 0 रखेंगे, 14t plus 8 is equal to 0, 8 को इधर ले आएंगे, तो t की वैल्यू क्या आएगी, 8 upon 14 minus, स्टार्टिंग टाइम से 8 अपॉन 14 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। जिस समय हमने ऑब्जर्व किया उस समय जब t इज इक्वल टू 0 था उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, t इज इक्वल टू 0 द वेलोसिटी वाज 8। और व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 सो t इज 8 अपॉन 14। यहां पर हमने इसको ऑब्जर्व किया और अपनी घड़ी चालू की मतलब t इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी, 8। और आगे बढ़ती जा रही है, अब हम पूछ रहे हैं कितनी देर पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, कितनी देर पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी। तो ये वाला टाइम हमने निकाला है, ये टाइम कितना आया, 8 अपॉन 14, इसके इस तरफ है इसलिए माइनस में आया। सो 8 अपॉन 14 सेकंड बिफोर द स्टार्ट, इट वाज व्हेन वी ऑब्जर्व इट, 8 अपॉन 14 सेकंड बिफोर आवर ऑब्जर्वेशन द वेलोसिटी वाज 0। ये हमने इससे निकाला। तो एक बार हमको रिलेशन मिल जाए तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, राइट? ओके, देखते हैं इसमें और। पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमको दिया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू। और अब ये डबल सम बन गया, वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहे हैं लेकिन टाइम की वैल्यू नहीं बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टाइम की वैल्यू आप खुद निकालिए। कैसे निकालोगे टाइम की वैल्यू, उसकी शर्त दी गई है कि उस टाइम पर एक्सीलरेशन कितना हो जाना चाहिए, 0। इसका ये मतलब है कि हमको दोनों इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। किस किस का इक्वेशन बनाना पड़ेगा, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो पहला काम तो ये करिए कि तीनों इक्वेशन को सेट करिए। आप इक्वेशन बनाएंगे s इज इक्वल टू, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये गिवन है, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4।
आप जो इक्वेशन निकालेंगे वो v का इक्वेशन और a का इक्वेशन, पहले ये तीनों रिलेशन बना लीजिए, फिर वैल्यूज को मैं बताता हूं कैसे करना है। ये आपके इक्वेशन आ गए, ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन है और ये वेलोसिटी का इक्वेशन। देखिए मिला के सेम बनते हैं, माइनस, ओके यहां गलती है, दिस शुड बी माइनस। अगर ये माइनस है तो यहां पर भी क्या होगा, 60 स्क्वायर माइनस 12, ये एक्सेलरेशन। नाउ इट इज करेक्ट, ओके ये दोनों के इक्वेशन बन गए। अब आपके पास एस का इक्वेशन भी है, बी का इक्वेशन भी है और ए का इक्वेशन भी है। अगले पार्ट पे चलते हैं, हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी की वैल्यू। अगर हमको वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए तो हमको टी की वैल्यू पता होनी चाहिए। टी की वैल्यू रखेंगे वेलोसिटी की वैल्यू निकलेगी, लेकिन टी की वैल्यू दी नहीं गई। क्या दिया गया है, वेल एक्सेलरेशन इज जीरो, तो पहला काम एक्सेलरेशन को जीरो रखिए, उससे टी की वैल्यू निकालिए, उस टी की वैल्यू को यहां रखिए, उस टी पर बी की वैल्यू निकाल के आंसर दे दीजिए। ये वैल्यू आती है सबसे आ रही है, ओके सो दिस वैल्यू इज करेक्ट। नाउ व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ माइनस, यस माइनस मींस इट इज गोइंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, प्लस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सो दैट डजंट मैटर मच क्योंकि वेलोसिटी में प्लस और माइनस दोनों आते हैं, ओके सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। तो ये आपने देखा डिफरेंशिएशन को हम किस तरह से यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम लेंगे दूसरी प्रोसेस जो डिफरेंशिएशन के उल्टी होती है, दैट इज इंटीग्रेशन, ओके।